छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 9 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा अर्धनग्न होकर बूढ़ा तालाब में किया धरना प्रदर्शन। उनकी 5 सूत्रीय मांग निम्न है। पहला, सुखद की मात्रा को कुल खरीदी में कम किए जाने की कार्यवाही पर रोक लगाया जाए। दूसरा, मंडी लेबर चार्ज का भुगतान किया जाए। तीसरा, जीरो शॉर्टेज की कंडिका को हटाया जाए। चौथा, प्रशासनिक व्यय का भुगतान किया जाए। पांचवा, परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाए। नमस्कार, मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं News+21। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के धरना स्थल बूढ़ा तालाब के पास स्थित है, जहाँ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के द्वारा लगातार 10वें दिन आंदोलन किया जा रहा है, हड़ताल किया जा रहा है। यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है और उनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं। आइए यहाँ के पदाधिकारियों से जानते हैं कि क्या कुछ मांग है उनकी और सरकार उन पर क्या क्या व्यवस्था कर रही है। अभी तक क्या बातचीत हुई है सरकार से, सरकार का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उनके मांग को लेकर? अब अधिकारी तो आए हैं यहाँ और धान खरीदी केंद्रों में चूहा दीमक बेशुमार है। धान खरीदी केंद्रों में चूहा दीमक बेशुमार है, फिर भी ये सब दुखा सुनने के लिए ये लोग बेवस है, लाचार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। हमारी छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ प्रांतीय संगठन की ओर से आज 8 नवंबर से डटे हुए हैं 5 सूत्री मांगों को लेकर। आज 10वां दिन है और इसके बीच में शासन प्रशासन के बीच में करीब 5-6 बार चर्चा हुआ है, लेकिन चर्चा सकारात्मक नहीं हुआ है। इससे हमारे कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, पदाधिकारी संतुष्ट नहीं है। प्रदेशाध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर, हम लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन 8/11/2021 से शुरुआत किए हैं और आज हमारा 10वां दिन है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह से पहल करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो मेरा तो विनम्रता पूर्वक शासन प्रशासन से अपील है कि तत्काल हमारी मांगों को पूर्ण करें। पिछले 10 दिन से राशन दुकान बंद है, पूरा PDS प्रणाली बंद है। शासन की महत्वपूर्ण योजना खाद्यान्न योजना जो आज पूर्ण ग्रामीण स्तर है, पूरा PDS दुकान बंद है। राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण स्तर में जितने सहकारी समिति द्वारा जो संचालित करते हैं पूरे PDS दुकान बंद है। आज पब्लिक चावल के लिए पूरे दर दर भटक रहे हैं और अधिक रेट में लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि 5 सूत्री मांगों के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में सहकारी समिति के सदस्य आए हुए हैं और यह उनका कहना है कि अगर सरकार के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह आंदोलन और लंबे समय तक चलेगा और लगातार इस पर प्रयास किया जाएगा कि उनकी मांग को पूरा करें, नहीं तो सहकारी समिति कार्य पर नहीं जाएगी। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, News+21, आपके हक की बात।